एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है पाइप रेंज। आज हम जानेंगे पाइप रेंज क्या होता है, ये किस काम आता है, ये किस पदार्थ से बना होता है और इसके कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले हम बात करें पाइप रेंज होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पाइप रेंज एक इस प्रकार का रेंज है जिसका यूज हम करेंगे, जो हमारी गोल पाइपें हैं जैसे GI पाइप होती है उसमें थ्रेड होते हैं, तो जो थ्रेडेड पाइप्स हैं हमारी उनके साथ जो फिटिंग लगेगी उन दोनों को असेंबल करने में, मतलब कसने में और डीअसेंबल करने में यानी खोलने में। जब हम उनको खोलते या कसते हैं तो हमें घुमाना पड़ता है पाइप को या फिटिंग को, तो उस घुमाने के लिए हम पाइप रेंज का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि पाइप रेंज की लंबाई, जैसे ये मेरे पास पाइप रेंज है, अगर मैं बात करूँ कि कितने ये इंचिस में है या कितने सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई को इसके हैंडल से दिया जाता है। जो पाइप रेंच की लंबाई है वो पाइप इस रेंच के हैंडल से ली जाती है। ये 6 इंच से लेके हमारे पास 48 इंच तक प्लग रहते हैं। अब डिपेंड करता है हमने कैसी पाइप खोलनी है, उस तरह से हम रेंच का जो चयन करेंगे। उसके बाद ये किस चीज़ से बना होता है, तो यह जो हमारे फोर्ज स्टील है, स्टील की फोर्जिंग की जाती है उससे बनाया जाता है। अब मैं अगर बात करूं कि इस रेंच के क्या क्या भाग हैं, तो इसमें जैसे आपको दिख रहे होंगे अलग अलग भाग है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, यहाँ अलग भाग है इसका, ये अलग भाग है, ये अलग है, तो इनके नाम क्या है, वन बाई वन जानते हैं कि रेंच के भागों के नाम क्या हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हुए हैं, एक इमेज में आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा कि कौन से भाग को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें हुक जा या चलित जबड़ा। तो ये रेंच का ये जो जबड़ा है यानी ये वाला, इसको हम बोलेंगे हुक जा। तो ये हुक की तरह है, इसको हुकिया बोलते हैं। इसको अगर हम बात करें तो इसको हम मूवेबल जा भी कह सकते हैं, मूवेबल जा या चलित जबड़ा। उसके बाद हमारे पास है ये दूसरा जा जो है ये वाला, इसका नाम है हील जा। अब जैसे हील जा या फिर इस जा को हम फिक्स जा भी बोलते हैं, फिक्स जा। हिंदी में बात करें तो हम इसको स्थिर जबड़ा कहेंगे। स्थिर जबड़ा इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि ये मूव नहीं करता, ये अपनी जगह सेट रहेगा। जो मूव करेगा, जो एडजस्ट करने में मदद करेगा, वह है हमारा ये जबड़ा। इसको हम हुक जा, मूवेबल जा या चलित जबड़ा कहते हैं। ये चलता कैसे है, जैसे हम इस नट को चलाएंगे, नट को जैसे घुमाएंगे ये जबड़ा जो है चलना शुरू करेगा। जैसे आपको मूवमेंट दिख रही होगी, अभी हमारा रेंच खुल रहा है, जैसे हम इसको दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये जबड़ा जो है बंद होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह जितने साइज की पाइप होगी हम इस रेंच के जबड़े को खोल के एडजस्ट करते हैं। अब मैं बात करूँ हमारे पास अगला पार्ट है एडजस्टेबल नट। तो ये जो नट है जिसकी मदद से मैं इस रेंच को कम या ज़्यादा खोल सकता हूँ, इसको एडजस्टेबल नट कहते हैं। अगर इस पिक्चर में बात करूं तो ये जो भाग है इसको हम बोलेंगे एडजस्टेबल नट या फिर हिंदी में समायोज्य नट। तीसरा जो भाग है वह है बॉडी, रेंच की बॉडी। तो ये पूरा भाग जो है, ये जो आपको यहां से दिख रहा है, ये रेंच की बॉडी में आएगा, यानी ये भाग जो है ये रेंच की बॉडी है। अगर नेक्स्ट बात करूं तो पिन है इसमें, तो आपको यहाँ इस रेंच में ये चीज दिख रही है जिससे बॉडी को और इसकी लंबाई को, हैंडल को हमने हिंज किया हुआ है, इसको हम बोलेंगे पिन। उसके बाद स्प्रिंग असेंबली, तो रेंच में स्प्रिंग भी होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये भाग, इसमें आपको विजिबल नहीं है, यहाँ पे
इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक स्प्रिंग दिखेगा, लीफ स्प्रिंग, तो इस चीज को हम स्प्रिंग असेंबली बोलेंगे। इसमें ये यहाँ भी है स्प्रिंग और एक यहाँ भी है, तो ये इस तरह से, जब देखो ये स्प्रिंग रेंच के इस जबड़े को इस तरह से मूवमेंट करने में मदद करता है। जब हम रेंच को हैंडल पे जोड़ लगाते हैं तो ये स्प्रिंग पाइप को पकड़ने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ लिख के। हैंडल, जो रेंच का हैंडल है, यह भी एक रेंच का भाग है। तो इस पाइप रेंच का यूज क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी थ्रेडेड पाइप्स है, जैसे जीआई पाइप हो गई, हमारे पास एमएस पाइप्स होंगी, उनको हम इस रेंच की मदद से पकड़ते हैं। आमतौर पर जब भी हमारी पुरानी पाइप्स हैं, हमने जब रेंच यूज करना है तब हमें दो रेंच की जरूरत पड़ती है। एक रेंच के साथ हम पाइप को पकड़ते हैं और दूसरी जो रेंच है उसके साथ हम जो हमारी फिटिंग है जिसको हमने खोलना है उसको पकड़ते हैं। तो ये हमारे रेंच के संबंधित कुछ जानकारी थी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे हमने थ्योरी के लेक्चर में देखा कि कैसे हमने इस रेंच को यूज करना है, इसके क्या मतलब से भाग है और कैसे हमने यूज करना, उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि पाइप रेंच का उपयोग कैसे किया जाता है। तो जैसे मेरे पास ये पाइप फिटिंग है और यहाँ पे पाइप है, मैंने जैसे आपको बताया हमेशा जब भी हम पाइप रेंच का यूज करते हैं तो हमें दो रेंचों की जरूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ एक रेंच का काम हमारे पास पाइप वाइज करेगी और दूसरा रेंच में मैनुअली यूज करके इस फिटिंग को कैसे कसा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया पाइप रेंच से फिटिंगों को कसा जाता है और उनको दोबारा खोला जाता है, उनकी असेंबलिंग व डिसेंबलिंग की जाती है। तो असेंबलिंग के लिए इस तरह से जैसे फिटिंग को मैंने पाइप पर लगाया, अब हम क्या करेंगे, जितनी हाथ से इसको टाइट कर सकते उतना कर दिया, उसके बाद हम यूज करेंगे इसमें पाइप रेंच का। पाइप रेंच जैसे मैंने इसको एडजस्ट करना है, जितना इस फिटिंग का रिड्यूसर का डाया है उतना मैं पाइप रेंच को खोलूंगा इस नट की मदद से। अभी आपको मैं करके बताता हूँ, जैसे हमने इसको खोला, मैंने चेक किया कि ये पूरी तरह से फिट हो गया, फिर मैं इसको इससे जोर लगाकर कैसे इसको हमें कसना है। तो इनको इस तरीके से हम रेंच की मदद से इस फिटिंग को कसते हैं। अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया असेंबलिंग का, इसकी डिसेंबलिंग। तो अभी जैसे हमारे पास रेंच खुला हुआ है, हमने इसको कसा, तो अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम इसको खोलेंगे तो हमने हमेशा रेंच को इस तरह से लगाना है, हमने कभी भी रेंच को ऐसे लगाते ऐसे नहीं घुमाना है, इस तरीके से नहीं घुमाना है, तब हमारा ये जार टूट जाएगा और रेंच की जो पकड़ है वो सही नहीं रहेगी। तो जो सही तरीका है, इसको हमने जिस दिशा में जोर लगाना है, हमने मान के चलो कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जोर लगाना है, तो हमारा जबड़ा इस तरीके से लगेगा, हमारा रेंच जो है इस तरीके से सेट होगा, फिर हमने इसको ऐसे जोर लगाना है। अगर मैं इसको इस तरीके से लगाते कोशिश करूँगा तो क्या होगा, अगर फिटिंग लूज होगी तब तो खुल जाएगी, लेकिन अगर फिटिंग जो हार्ड होगी तो उससे ये जबड़ा भी टूटेगा और रेंच स्लिप करेगा, जिससे हमें चोट लगने का डर रहता है। तो ये तो था हमने फिटिंग को कैसे पकड़ना है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताता हूँ कि हमने पाइप को कैसे पकड़ना है। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले भाग में देखा कि हमने फिटिंग को रेंच द्वारा पकड़ा था, अब हम इस पाइप को रेंच के द्वारा पकड़ेंगे। जैसे ये गोल पाइप है, इसको जब हम रेंच को एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद हमने यहाँ पाइप को लगा के ट्राई करनी है, ऐसे लूज ट्राई करनी है। हमें अगर लगेगा कि हमारा रेंच ग्रिप बना रहा है तो मतलब सही रेंच खुल चुका है। और मैं आपको करके बताता हूँ, इस तरीके से हम लगाएंगे, फिर इसको हम ऐसे ट्राई कर लेंगे। आप देखो हमारे रेंच ने पाइप को पकड़ लिया है, तो ये रेंच स्मूथली पाइप को पकड़ भी रहा है और खोल रहा है। अभी हमने इसको कसा, अब हम खोलने का प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसके लिए मेरे को रेंच इस दिशा में लगाना पड़ेगा। जब मैं रेंच को ऐसे लगाते एक दो बार लूज करके देखूंगा, घुमाऊंगा, ये ऑटोमेटिक ग्रिप करेंगे इसके जार और इस पाइप को खोलने लगेंगे इस तरीके से। तो हमारी पाइप जो है वो खुल गई। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।